अराउंड 2 घंटे रेस्ट करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं एक नए डेस्टिनेशन पे जो हमने डिसाइड किया हुआ है टीटोस। तो आज हम जाएंगे टीटोस क्लब। रितिक ब्रो, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कहाँ चलेंगे। कोई नहीं, अभी मैंने ये पहले कहाँ जाते हैं आप? नहीं अंजुना बीच थोड़ी ना, टीटोज जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बीच बार बहुत अच्छा सनसेट दिखेगा। अब कहाँ कौन सा सनसेट हो गया रात में भाई, द्वार से निकलेगा प्लान चेंज हो जाएगा बिल्कुल। अंजुना दूर बहुत है भाई, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर है और रास्ता भी है। अच्छा जगह है, मैंने देखा है। मॉर्निंग में चलेंगे, मॉर्निंग में चलते हैं। सो गाइज, अभी क्या है कि हमारा प्लान कुछ चेंज होने वाला है। मेरे सर्वे के हिसाब से अभी जितना मैंने सर्वे किया था तो मैं टीटोज में रिकमेंड कर रहा था, बट मेरे साथ में जो रितिक है तो उसने बताया कि हम अंजुना बीच चल लेते हैं, वहाँ भी नाइट पार्टीज अच्छी होती हैं। सो इसकी मुझे नॉलेज नहीं थी, बाकी देखते हैं कि अगर वहाँ हमें अच्छा लगा तो हम अंजुना बीच पर ही आगे का शूट करेंगे और वहीं एंजॉय करेंगे। और हमें लगा कि हाँ उससे बेटर जगह जो है वो अगर क्लब में जाना बेटर रहेगा, तो हम आज क्लब का शूट करेंगे और क्लब में जाके आपको अपना फ़न दिखाएंगे कि किस तरह से आप भी, और थोड़ा सा गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा कि किस तरह से आप क्या एंट्री फीस चार्ज करके क्लब में एंट्री ले सकते हैं, एंड कुछ जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गाइज, वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अंजुना बीच। वहाँ पर कुछ बीच पार्टीज़ वगैरह अच्छी चलती हैं, और जैसे कि रितिक ने सर्वे किया जो कि मेरे साथ में है, उसने सर्वे किया तो उसने रिकमेंड किया कि हम अंजुना बीच चलते हैं, अगर वहाँ पर नहीं हमें अच्छा लगा तो हम टीटोज क्लब चलेंगे। वैसे मेरा पहला रिकमेंडेशन जो है वो टीटोज क्लब था, बट अल्टीमेटली देखते हैं कि अगर अंजुना बीच पर अच्छा रश रहा या फिर अच्छी वहाँ पर पार्टी लगी हमें, बीच पार्टीज़ वगैरह और इस तरह से अच्छा लगा तो हम उधर ही आज का डे स्पेंड करेंगे। ठीक है फिर, डन अंजुना बीच। ओके अंजुना फाइनल। अगर देखा जाए तो हमें थोड़ा क्राउडेड एरिया पसंद है, और कैंडोलिम बीच या फिर बागा बीच, कलनगुट, चलो वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया, लेकिन जैसे बागा बीच पर काफ़ी क्लब्स वगैरह जो टीटोज लेने हैं वहाँ पर हमारा अगर कंपेयर करते हैं तो वो एरिया काफ़ी अच्छा है। तो उसको कंपेयर करते हुए हमने देखा कि ज़्यादा देर तक रुकना, और हमारे होटल से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमने सोचा कि हम आसपास के एरिया उधर की साइड ही हम कोई क्लब ज्वाइन करेंगे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि अभी हम जब यहाँ पर गए तो हमें ये इतना मतलब अच्छा और इतना ज़्यादा हैपनिंग सा प्लेस नहीं लगा। वैसे अगर शांत एरिया में पार्टी करने का शौक देखते हो तो यहाँ आ सकते हो, और फिर इसलिए हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं और हम टीटोज लेन में ही जाकर बाकी का जो है वो आज का नाइट लाइफ इन्जॉय करेंगे। तो गाइज, हम पहुँच गए हैं टीटोज क्लब लेन में, टीटोज लेन में, और वी आर गोइंग फॉर दी एंट्री। अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी अपनी बाइक और एंट्री के लिए जा रहे हैं। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं टीटोज क्लब लेन में, टीटोज लेन में, और गोइंग फॉर दी एंट्री। अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी अपनी बाइक और एंट्री के लिए जा रहे हैं। पार्टी जो आउटडोर पार्टी वो तो ओवर हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं इनसाइड द क्लब।
फाइनली हमने क्लब से चेकआउट कर लिया है एंड अब हम जा रहे हैं घर की तरफ एंड आज का दिन भी हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब हम होटल जाएंगे, जाकर आराम करेंगे और आज हम गोवा को बाय बाय बोल देंगे। ये हमारे 3 दिन की ट्रिप थी, तो अभी जितने भी मेरा ब्लॉग है ये 4 से 5 दिन में अपलोड हो जाएगा, तो day 1, day 2, day 3 के लिए हम इसको वो करेंगे। और लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड आदाब, सब कुछ। हवा नु चीरदा जावे लगे बास दी चों जहर, हाथ नहीं आंदा जट नहीं फड़ लैंदे इफ दे कोट, गैसोलीना फुला टैंकी हाथों विच बूझिया महंगी दे लाउंदे जांदे अड़िए नहीं सिर, लाइटां लगदियां तारे चढ़े सरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पे, लाइटां लगदियां तारे चढ़े सरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पे। V12 इंजन दे गुंजे ललकार ने, लरन दी सेना नालों तेज रफ्तार ने, 3 डिग्री हाईवे ते उड़ने नू जांदी जिद्दां इंजन आलाया हुंदा बॉब लज़ार ने, रौला सुन कार दानी सीने उड़ी डार दानी टैरां देख रोड़े उत्ते छड़ी, लाइटां लग दियां तारे चढ़े सरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पेस, लाइटां लग दियां तारे चढ़े सरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पेस, लाइटां लग दियां तारे चढ़े सरां नूं ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे स्पेस। 60 MG वाली अड़ बल्ला लेमनी पॉप कर लग दी ना दुनिया ज़ेमनी, गड्डियां दा चक्का यारा रखिया है दा जदा है लामा स्क्लीप प्रोपल्शन।